है जी बिल्कुल उसको दूरभाष के लिए 10,000 रुपया मिलता है, जी हमको तो 1 रुपया नहीं मिलता है। नहीं मिलता हमारे यहाँ कोई भी ऐसा सामग्री जो बैठने के लिए चेयर टेबल उसका पैसा उसका फंड आपको होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, वो भी पैसा हमको नहीं मिलता है जी। सिर्फ कागज के लिए 4,000 रुपया मिलता है, कागज पत्र कलम इत्यादि हावी जावी फोटो स्टेट। तो उस 4,000 के पेपर से आपका सर महीने भर का काम चल जाता है? नहीं वो तो साल में एक बार 4,000 देता है, 12 महीने में। 4,000 जो आपको एक साल का देता है आपको पेन पेपर का, तो उससे आपका क्या पूर्ति हो पाता है? ये तो 1 महीना का खर्चा नहीं है, 1 महीना का खर्चा नहीं है ना। तो सालों भर अपने जेब से आप अपना जेब से पैसा लगाते हैं। हमको तो चाय पीने के लिए आफत है, चाय पीने का भी पैसा नहीं है। ऑफिस के लिए बैठेंगे चाय पिलाएंगे या पिएंगे उसके लिए भी आफत है, निजी बलबूता पर चलना पड़ता है, निजी पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। नाम का प्रतिनिधि बना के सरकार हम लोग को छोड़ दिया है। तो आपका संघ जो सर अभी धरना प्रदर्शन की खुली धमकी दे रखा है सरकार को? हाँ जो सामूहिक उसमें हम लोग ये इस्तीफा दें, सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, आपका जो ग्राम कचहरी का भवन है जी, वो आपको अतिशीघ्र मुहैया होना चाहिए, एकदम होना चाहिए पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ से। हाँ इसके लिए सर आपने आवेदन दिया है कभी पंचायती राज पदाधिकारी को? ना आवेदन हम लोग संघ से तो नहीं दिए हैं, ये संघ से नहीं सर, ये आप ये... अपने ग्राम कचहरी के लिए आपको आपने कभी अपना आवेदन दिया है? हमारा जो अधीन में जो भी ये है DPRO जी, उनके साथ हमारे एक बार बात हुआ है जी, लिखित या मौखिक? मौखिक बात हुआ है जी, बोला कि जो ठीक है इस बात को हम लोग आगे तरफ बढ़ाए हैं, जो भी इसका निर्णय आएगा आप लोगों को सुनाया जाएगा जी। आज तक आया नहीं है सर, सामने लोकसभा का चुनाव है जी, पंचायती राज विभाग की ओर से जहां ग्राम कचहरी भवन का निर्माण नहीं हुआ है वहां सर वहां फंड आवंटन है पूरे बिहार में, वहां ग्राम कचहरी भवन निर्माण के लिए फंड आवंटन है, आप उसके लिए एक लिखित आवेदन पंचायती जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में दें और उसकी प्राप्ति कॉपी उनसे करावे। अगर अतिशीघ्र आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ से भवन निर्माण का पैसा अगर आपको नहीं मिलता है, आपके मानदेय पर वृद्धि नहीं होती है, तो आपका संघ जो है पूरे राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन की धमकी दिए हुए है सरकार को, तो आप तो उसके सहयोग में है एकदम जी। और आपके यहाँ से न्याय सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए, होना चाहिए, और जो रात्रि प्रहरी है जी वो भी होना चाहिए, ये जो है ग्राम रक्षा दल जो है अब जो भी रहे, हमको नोटिस तामिला करने के लिए हमको मिनिमम 2 चौकीदार अविलंब चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप सर, क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग जो मुख्य मांग है कि हम लोग बिल्डिंग ऐसे भवन देना चाहिए, ग्राम रक्षा दल का नियुक्ति देना चाहिए, 2 चौकीदार देना चाहिए, सुरक्षा के लिए हम लोग का RMs देना चाहिए, और सालाना महीनावारी जो है कम से कम कागज पत्र के लिए 5,000 रुपया महीना देना चाहिए जी, और सामान पत्र के लिए 5 साल के अंदर कम से कम 2 बार पैसा मोटा रकम मिनिमम से भी मिनिमम 1,00,000 रुपया देना चाहिए। मिनिमम 1,00,000 रुपया आपके ग्रीवांस है, ग्रीवांस है सरकार से। और कुछ कहेंगे सर? सुरक्षा अविलंब चाहिए, सुरक्षा चाहिए आपको, नहीं तो हम लोग अगला इलेक्शन तक जो है या संघ जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। न्यायपालिका से आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और सरकार का विरोध में हम लोग धरना देंगे, और इस्तीफा देने के बाद पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का कार्य होगा। हाल में हमारा प्रखंड में काली हुआ है 5 तारीख जी, अंचल पदाधिकारी के कार्यालय कार्यालय में हुआ है जी, तो ऐसे होते रहेगा जी। सरकार हम लोग को सुख सुविधा नहीं देता है जी, जो हमसे वादा करके हमको इलेक्शन में लिया था, खाली रेवेन्यू लेने का काम किया है सरकार हमसे, हमको वादा से वो वंचित रखा है, वादा निभाता नहीं है सरकार। सरकार हमसे वादा से भागता है, मुकरता है, ये अच्छी बात नहीं है। काहे जो भरोसा का बात है, प्रतिनिधि भरोसा पर जीता है, अब भरोसा से जब टूट जाएगा मन तो हम लोग उसका विरोध में कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं इस बात को हम यहीं से समाप्त करते हैं। सरकार हम पर विशेष रूप से ध्यान दे और हम मन खुले मन से सरकार का काम कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार का न्यायालय में बहुत 85% मामला निष्पादन हो गया है, और हम लोग चाहते हैं जो शांति से चले। हम लोग पंचायत लेवल का जो काम कर रहे हैं 17-18 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के हिसाब से हमको मानदेय देने का व्यवस्था करें, यही हमारा मुख्य मांग है। और हम जितना भी बात हम बोले ये न्याय और सही बात है, इसमें एकू बात कोई कहीं हम भूल या गलत ढंग से नहीं बोले हैं, इसलिए इसमें एकदम अविलंब निर्णय ले और इस बात को कार्रवाई में लाए,
और जो हम लोग का जो 11 सूत्रीय मांग था, हम लोग वंशावली बनाते थे जी। और सब जो मांग था हम लोग का सारा मांग को पूरा किया गया जी। तब हम लोग न्यायपालिका का कार्य देखेंगे, सही रूप से हम लोग चलाएंगे, किसी तरह का कहीं संकोच होने नहीं देंगे। और हम लोग खुले मन से पंचायत भवन में जो बैठ के काम करते हैं, तो ये किसी का अधीन में हम काम कर रहे हैं, हमारा निजी भवन नहीं है। आपको अपना निजी भवन चाहिए हमको, सरकार को मुहैया करना चाहिए। धन्यवाद।